हेलो व्यूवर्स, डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बच्चों के कान के दर्द को ठीक करने के लिए कुछ होम रेमेडीज के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बच्चों के कान में दर्द होना एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात है, लेकिन समय पर ध्यान ना देने और साथ ही इसका ट्रीटमेंट ना करवाने पर ये सीरियस प्रॉब्लम भी बन सकता है। इसके कारण फ्रेंड्स अनबेरेबल यानी कि असहनीय ईयर पेन तो होता ही है, साथ ही इससे बहरेपन का खतरा भी 30% तक बढ़ जाता है। फ्रेंड्स बैक्टीरिया और साथ ही वायरस की वजह से होने वाली ये प्रॉब्लम बड़ों से ज़्यादा बच्चों में होती हैं, यानी कि कान का दर्द बड़ों से ज़्यादा बच्चों में होता है। जी हाँ, कान में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम फूड एलर्जी, बदलते मौसम, पोषण की कमी और साथ ही चोट लगने की वजह से हो सकती हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स कई बार बच्चों को नहलाते वक्त यानी कि फ्रेंड्स बातिंग करवाते समय कान भी पानी से साफ कर दिया जाता है, जिससे उनके ईयर्स में नमी की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा पानी कान में चले जाने की वजह से फंगस की प्रॉब्लम हो सकती हैं, जो कि फ्रेंड तेज़ दर्द और साथ ही खुजलाहट की वजह हो सकती हैं। जब पानी हमारे कान में जाता है फ्रेंड, तो ऐसे में कान की कंबोकर्णी नली यानी कि जिसे यूस्टाकियन ट्यूब कहते हैं, वो ब्लॉक होने पर कान में लिक्विड फॉर्म इकट्ठा होने लगता है और प्रेशर की वजह से कान में दर्द होने लगता है। साथ ही फ्रेंड्स कई बार कान में ज़्यादा मैल यानी कि वैक्स के जमा होने पर भी तेज़ दर्द होता है। साथ ही फ्रेंड टॉन्सिल्स में सूजन व मवाद होने पर दांत में सड़न या फिर इन्फेक्शन होने से, इसके अलावा फ्रेंड्स मसूड़े के फूलने से और साथ ही जबड़े के जोड़ में सूजन आने से, इन सभी कारणों की वजह से फ्रेंड्स आपके बच्चे के ईयर में पेन होता है। जी हाँ, इसीलिए फ्रेंड्स आपको अपने बच्चे के प्रति समस्या को लेकर ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे फ्रेंड, जिसके बच्चों को कान के दर्द के साथ साथ उनके कान का इन्फेक्शन से भी उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स होम रेमेडीज़ को जानने से पहले अब आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हम कैसे समझ पाएंगे बेबी के रोने की वजह से कान में दर्द का होना है। तो फ्रेंड चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताते हैं, जिसके आप पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा ईयर पेन के चलते ही रो रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका बेबी बार बार अपने कान को खुजला रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके ईयर में कुछ प्रॉब्लम या फिर पेन है। अगर आपका बच्चा बार बार अपने कान को खींचकर या फिर कान पर हाथ रखकर रो रहा है, तो समझ जाइए कि बच्चे के ईयर में पेन हो रहा है। अगर आप बच्चे को आवाज़ देकर बुला रहे हैं और वो कम सुन रहा है, तो इसका मतलब है कि कान से संबंधित कोई प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स कान में दर्द या फिर अन्य प्रॉब्लम्स के चलते कान के आसपास की त्वचा का तापमान बढ़ जाता है। कान में ज़्यादा दर्द होने की वजह से बच्चे को फीवर भी हो सकता है। और अगर फ्रेंड्स बच्चे के कान से पानी जैसा मवाद यानी कि पस निकल रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसके कान में दर्द है। इसके अलावा कान में हो रहे दर्द की वजह से बच्चे को अपना जबड़ा खोलने में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसके चलते बच्चे को कुछ खाने पीने या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराने में भी दिक्कत हो सकती है। साथ ही फ्रेंड्स कान में इन्फेक्शन होने पर कान में दबाव बनता है और तरल पदार्थ एकत्र हो जाने के कारण शिशु को चक्कर या फिर वीकनेस भी महसूस हो सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कान में वायरस हो जाने की वजह से संक्रमण होता है, इस वजह से बच्चे को वॉमिटिंग और साथ ही फ्रेंड्स डायरिया यानी कि दस्त भी हो सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स आपके बच्चे की भूख भी कम होने लगती हैं। सो फ्रेंड्स ये थे बच्चों में होने वाले ईयर पेन यानी कि कान के दर्द के लक्षण। दोस्तों सब्सक्राइब करें डेली हेल्थ टिप्स को, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। चलिए अब जान लेते हैं इसको कम करने के लिए कुछ होम रेमेडीज के बारे में। दोस्तों बच्चों में कान में इन्फेक्शन की समस्या को दूर करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करवाएं, इससे उनके शरीर को इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद मिलती है। और अगर फ्रेंड्स आपके बच्चे के ईयर में पेन हो रहा हो, तो सूती कपड़े को हल्का सा गर्म करके बच्चों के कान पर रखें, इससे उनको आराम मिल सकता है और साथ ही कान का दर्द भी बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाता है। कान में इन्फेक्शन और साथ ही दर्द को दूर करने के लिए आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ दीजिए। फ्रेंड्स इससे कान में दर्द भी नहीं होता है और साथ ही इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी जल्दी ही ठीक हो जाती है। दोस्तों गर्म सिकाई कीजिए। जी हाँ, इसके लिए आप गर्म यानी कि वार्म वाटर पानी को छोटी सी बोतल में डालकर कान के ऊपरी हिस्से पर कई बार निकालते हुए और साथ ही रखते हुए आप सिकाई कीजिए। इससे फ्रेंड्स कान में जो तरल पदार्थ होता है वो बाहर आ जाता है और साथ ही बच्चों को ईयर पेन से राहत मिल सकती है। फ्रेंड्स ऐसा करने से सूजन भी कम हो सकती है, लेकिन हाँ ध्यान रहें कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप लहसुन या फिर प्याज के रस का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, लहसुन या फिर प्याज का रस काफ़ी ज़्यादा पुरानी ट्रिक है, जिससे कि बच्चों के कान का दर्द बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा।
इसके लिए फ्रेंड्स लहसुन या फिर प्याज के रस की 2 से 3 बूंदें कानों में डालने के बाद बच्चे को लिटा दीजिए। रस की बूंदें अपने आप कान के अंदर चली जाएंगी। साथ ही फ्रेंड्स इन्फेक्शन को ख़त्म करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, इसीलिए आप लहसुन या फिर प्याज के रस का इस्तेमाल ज़रूर करें। फ्रेंड्स अगर बच्चे के कान में तेज़ दर्द हो रहा हो तो आप सरसों के तेल यानी कि कैस्टर ऑयल में लहसुन की 2 से 3 कलियाँ डालकर गर्म करें और ठंडा करने के बाद बच्चे के कान में इसका 2 से 3 बूंदें डालें। इसमें मौजूद एंटीबायोटिक एंड साथ ही एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज कान दर्द और साथ ही इन्फेक्शन को दूर करता है, इसीलिए फ्रेंड्स आप इस उपाय को ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों नीम की कुछ पत्तियों को पीसकर उसका रस निकालें और उसकी 2 से 3 बूंदें बच्चों के ईयर में डाल दीजिए। आप चाहे तो इसके लिए नीम के तेल का यूज़ भी कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करता है जिससे कि बच्चे के कान में होने वाले दर्द से उसे छुटकारा मिल जाएगा। फ्रेंड्स तुलसी की कुछ पत्तियों को पीसकर उसका जूस निकाल लीजिए और दिन में 2 से 3 बार बच्चे के कान में डाल दीजिए, इससे कुछ दिन में ही इन्फेक्शन की समस्या दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप गर्म तेल से मसाज कीजिए। जी हाँ अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो तो आप गर्म तेल से मसाज भी कर सकते हैं। जी हाँ गर्म तेल से मसाज करने से फ्रेंड्स कान दर्द से बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसके लिए आप गुनगुने तेल को सीधे कान में ना डालें, बल्कि फ्रेंड्स आप कान के बाहरी हिस्से पर इस तेल से मसाज कीजिए। इसके लिए आप ऑलिव ऑयल या फिर सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स बच्चे के जिस ईयर में पेन हो रहा हो वहाँ पर वार्म कॉम्प्रेस रखें और 3 से 4 मिनट तक इसे दबाए रखें। दर्द से जल्दी आराम पाने के लिए इसे दिन में कई बार यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपके बच्चे के कान में पानी चले गया हो और इस वजह से उसके कान में दर्द हो रहा हो तो ऐसे में आप बच्चे का सिर ऊपर रखें। जी हाँ सोते समय बच्चे के सिर को थोड़ा ऊंचाई पर रखें जिससे कि ईयर में मौजूद वाटर अपने आप बाहर निकल जाता है। हालांकि फ्रेंड्स बच्चे के तकिए को ऊंचा करना भी गलत है, इसीलिए आप गद्दे के नीचे 2 से 3 पिलोज रखकर बेड को ऊंचा कर लें और फिर बच्चे को सुला दीजिए। फ्रेंड्स पानी नहलाते समय पानी को ईयर के अंदर जाने से बचाएं और साथ ही नहलाने के बाद सॉफ्ट टॉवल से बच्चों के दोनों कानों को पोंछ कर सूखे रखें, इससे फंगस होने की संभावना नहीं होती है। इसके साथ ही आप अपने बच्चे को धूल मिट्टी व पॉल्यूशन से दूर रखें। फ्रेंड्स जब बच्चों को कान का इन्फेक्शन और साथ ही पेन हो तो उन्हें हवाई यात्रा ना करवाएं। जी हाँ संक्रमण की स्थिति में कान के बीच में हवा का ज़्यादा दबाव होता है और हवाई जहाज़ के अंदर कम हवा का दबाव होता है, इस वजह से फ्रेंड्स बच्चे को और भी ज़्यादा दर्द हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप बच्चे को कहीं घर से बाहर ले जा रहे हैं तो ऐसे में आप बाहर ले जाने से पहले उनके ईयर्स को कवर करती हुई कोई कैप को पहना कर ले जाएँ। लेकिन हाँ फ्रेंड्स आप याद रखिए नवजात शिशु पर किसी भी प्रकार के नुस्खे का प्रयोग करने से बचें, और अगर आपका बच्चा 3 से 4 साल से ज़्यादा है और इन होम रेमेडीज़ को ट्राई करने के बाद भी अगर बच्चे के कान के दर्द की प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। सो फ्रेंड्स ये थे बच्चों के कान में दर्द के कारण लक्षण और साथ ही कुछ होम रेमेडीज़। अगर आपके भी बच्चे के कान में दर्द हो रहा है और साथ ही वो 2 साल से बड़ा है तो आप इन उपायों को ट्राई कर सकती हैं। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।